Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव, आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, राजस्थान में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही कांग्रेस और बीजेपी के नेता मैदान में उतरकर खुलेआम बयानबाजी करने लगे हैं। सीएम की गद्दी पर कौन बैठेगा, इसे लेकर राजस्थान कांग्रेस में गुटबाजी भी साफ तौर पर देखी जा सकती है। बीते दिनों पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने खुलकर पेपर लीक को अपनी ही सरकार पर हमला बोला था, तो सीएम अशोक गहलोत ने 100 सुनार की एक लोहार की कहावत को सत साबित करते हुए सचिन पायलट व पायलट गुट के समर्थक नेताओं पर जोरदार हमला बोला था, जिससे पायलट गुट के दावों की हवा निकलते नजर आ रही है। सियासी दाव पेच खुलकर सबके सामने आ चुके हैं। सीएम अशोक गहलोत ने 2023 में फ्रंट फुट पर खेलने के मूड में नजर आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि सचिन पायलट को जीरो पर आउट करेंगे या एक रन भी नहीं बनाने देंगे। फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं सीएम गहलोत। 2023 विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू होते ही सियासी पिच पर जादूगर सीएम अशोक गहलोत अब फ्रंट फुट पर खेलते नजर आ रहे हैं। सचिन पायलट गुट के हर जुबानी हमले के जवाब में सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि 2018 में कांग्रेस जीत व सरकार मेरे कारण बने थे, साथ ही 2023 में जीत के लिए मास्टर स्ट्रोक चलते हुए 156 का लक्ष्य हासिल करने का दाव खेल दिया है। इस दावे के बाद अगर मैं बात करूं तो जो है आगे पायलट चार गुट चारों खाने जो है चीत होता नजर आ रहा है और सीएम अशोक गहलोत अपने विरोधी के आगे कभी भी दबाव में नजर नहीं आए हैं। वे पहले भी कई बार तीखे हमले कर चुके हैं। वे सचिन पायलट पर नकारा, निकम्मा, गद्दार, कोरोना और सरकार गिराने का षड्यंत्र रचने का आरोप भी लगा चुके हैं। सीएम गहलोत की तीर पर निशाने, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2023 में कांग्रेस सरकार रिपीट होने का दावा कर रहे हैं, साथ ही अपनी बजट की जन कल्याणकारी योजनाओं के आधार पर जनता के पास जाने को तैयार है। का दावा है कि राज्य सरकार के खिलाफ जनता में किसी भी तरह का असंतोष नहीं है। सीएम अशोक गहलोत आलाकमान और अपनी ही पार्टी के नेताओं के साथ पक्ष विपक्ष के निशाने पर होने के बावजूद किसी तरह के दबाव में नजर नहीं आ रहे हैं और अकेले ही इसका डटकर सामना करते नजर आ रहे हैं। सीएम की तरफ से निकालने वाला हर तीर सही निशाने पर लगता नजर आ रहा है। पायलट गुट बोल रहा सीएम पर हमला। वही उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी लगातार किसान आंदोलन को लेकर प्रदेश के कई जिलों में रैलियां व सभाएं कर रहे हैं। वे भारी भीड़ इकट्ठा करने में कामयाब भी दिख रहे हैं। पहले सीएम गहलोत के करीबी रहे हरीश चौधरी पायलट गुट में शामिल हुए। पायलट गुट में शामिल राजेंद्र सिंह गुढ़ा, हेमराम चौधरी व अन्य नेता मुखर होकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर लगातार जुबानी हमला बोल रहे हैं और सचिन पायलट गुट पर ही सरकार को घेरने का कोई कोर कसर छोड़ते नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं सचिन पायलट व पायलट गुट के नेता 2018 में सरकार बनाने का श्रेय जो है वो खुद लेते नजर आ रहे हैं। ये नेता भी बोल चुके हैं सीएम के खिलाफ। राजस्थान सरकार के मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा पहले भी दावा कर चुके हैं कि सचिन पायलट को सीएम नहीं बनाया गया तो एक फॉर्च्यूनर में आए जितने विधायक ही जीतेंगे। वायतु विधायक हरीश चौधरी ने कहा कि कुछ दिन पहले कहा था कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी व हनुमान बेनीवाल सीएम गहलोत की प्रायोजित पार्टी है। राजस्थान सरकार के मंत्री हेमराज चौधरी पीएम मोदी को गुजरात विधानसभा के लिए फैसलों की तारीफ की और कहा कि हम बोलेंगे तो हमारी भी सीढ़ी बाहर आ जाएगी। तो कुछ इस तरीके से अभी भी राजस्थान चुनाव आने है, लेकिन सचिन पायलट और अशोक गहलोत में जो जुबानी जंग है वो कहीं ना कहीं कम होने का नाम नहीं ले रहा है। खैर, आपको क्या लगता है कि 2023 का जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उस राजस्थान में क्या कांग्रेस पार्टी जीत पाएगी या फिर जिस तरीके से इन दोनों नेताओं का विवाद चल रहा है उसके बावजूद यहां पर भारतीय जनता पार्टी बाजी मार जाएगी? इस पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिए।